है, कैसा है बना? बहुत बढ़िया है। देखिए गाइस, एकदम धांसू लाजवाब मेरा पनीर तैयार है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज इस व्लॉग में मतलब मैं पनीर की सब्जी बना रहा हूँ, वो दिखाऊंगा। पहले ये सब जो है प्याज, ये कुछ ढाबा स्टाइल में बना रहा हूँ अपने तरीके से। ये प्याज है, प्याज को पहले हम लोग फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर इसके बाद दिखाओ। सो अब ये फ्राई हो गया, इसको हम प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालने के बाद फिर ये लहसुन फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद दोनों को मिक्सर में पीसेंगे। सो अब ये मसाला इसमें डाल दिए सब, खड़ा मसाला। खड़ा मसाला डालने के बाद अब ये पकने के बाद फिर हम ऐसे, अब ये मसाला पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट। उसके बाद अब इसके पकने के बाद फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पकने के बाद ये मिक्स डालेंगे जो हम लोग प्याज और टमाटर को पीसे हैं। ठीक है, उसका वो हम डालेंगे। ये पेस्ट अब जाएगा। ये अब इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि टमाटर पक गया था, तेल छोड़ दिया था। अभी हम इसको करेंगे फिर उसके बाद धीमी आंच पे, पूरा एकदम लो फ्लेम पे करके। इसके बाद अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हम लोग लहसुन डाल चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ अलग से लहसुन नहीं डालेंगे। इसमें हम अदरक और मिर्ची का भी पेस्ट डाले हैं, क्योंकि मिर्चा और अदरक का पेस्ट नहीं डाले थे। ठीक है, तो ये भी पेस्ट भी डाल चुके हैं। गरम मसाला, ये मैं हमेशा हाथ का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से अंदाज मिलता है। ये हो गया, और हल्दी पाउडर, पहले धनिया पाउडर फिर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, तो उसके बाद मिक्स करिए जब तक मसाला थोड़ा सा लाल जाए, जब तेल छोड़ने लगे मसाला पूरा ग्रेवी। उसके बाद फिर तो ये अभी मसाला पक गया है, अब हम घी निकाल लिए हैं, वो छोटा वाला, उसमें घी निकाल लिए हैं छोटे वाले में। इतना नहीं घी डालना है, 2 से 2.5 चम्मच डालना है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। गैस अभी हम लोग बंद कर दिए हैं। गैस बंद करने के बाद ठंडा होने के बाद फिर उसको हम दही को मिक्स करेंगे इसमें। फिर डालेंगे हम पनीर, इस कढ़ाई में डालेंगे पनीर इस दही के साथ। तो ये हम दही डाल दिए हैं, अब दही को हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक, मिक्स करने के बाद फिर हम गैस ऑन करेंगे, थोड़ा सा गर्म होने पे, मतलब मिक्स हो जाए उसके बाद, क्योंकि फटे नहीं। अब पानी डालेंगे हम अपने हिसाब से, जितना रिक्वायरमेंट है। ये पूरा हम लोग को लगता है कि हम लोग को रिक्वायरमेंट है सही, तो इसको फिर मिक्स करें। पहले साइड साइड का करें, फिर उसके बाद ये 2 मिर्चा भी डालें। 2 मिर्चा क्या अपने अनुसार डालें, 2 मिर्चा ही ज़रूरी नहीं है। ये क्या है कि मिर्च डाल दिए हैं, नमक भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा बॉयल होने लगा है, तो पनीर डालेंगे। पनीर डालने में अगर पनीर बच जाए तो उसको पनीर को खा लीजिए, क्योंकि बना रहे हैं तो खाना तो ज़रूरी है। खाते रहिए ना, काम भी करते रहिए। पनीर डाल दिए हैं, 10 मिनट रोकेंगे पकने के बाद, रेडी। अब इसको कम आंच पे एकदम, अब इसको 10 मिनट ढक दें, आप जब बॉयल होने लगे उसके बाद फिर आप निकालें इसको। देखिए गाइस, एकदम धांसू लाजवाब मेरा पनीर तैयार है, और खाइए गीली गीली पों हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, अच्छा खासा बना है, टेस्ट भी अच्छा रहा है।
और इसका जो है कि इतना क्यों वाइट वाइट लग रहा है यार? अच्छा, फ्लैश की वजह से लग रहा है। तो हाँ, ये एकदम बढ़िया लग रहा है और घर पे ज़रूर ट्राई करिए। जैसा हो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कैसी लगी रेसिपी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। खाइए, ऐश करिए, मज़ा लीजिए, ज़िंदगी जीजिए। बाय। सो थैंक यू सो मच गाइज। और इसमें हाँ, एक चीज़ ये है कि लास्ट में घी डालना, मैं घी डालना और आपको दिखाना भूल गया हूँ, तो घी भी डाल सकते हैं उसमें, या फिर बटर हो, बटर का पीस डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मेरे मोबाइल में दिक्कत की वजह से मैं बीच का थोड़ा सा वीडियो नहीं दिखाया हूँ, इसलिए मैं आपको बीच में वो स्टेप बता दिया हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो खाना रेडी हो गया है, अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? खाना जा रहे हैं। ये रहा आपका पनीर और पुलाव के साथ रोटी, तो खाएंगे अभी, फिर टेस्ट बताते हैं कैसा लगता है। टेस्ट तो ऐसे अच्छा है, मैं टेस्ट किया हूँ, देखते हैं। ठीक है, कैसा है बना? बहुत बढ़िया है। चलो तो